अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोयल फ्राई। इसको मैं पुलाव राइस के साथ सर्व करूँगी। तो आए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें कोयल ले ली हैं, जो कि बहुत ही क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी हैं। मैंने इसको वॉश कर लिया था और अच्छे से इसको वॉश करके स्किन मैंने ऑन रहने दी है और इसमें डीप कट्स लगा दिए हैं और इसको मैंने ओवरनाइट विनेगर में डिप करके रखा है ताकि इसकी स्मेल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। जिन जिन स्पाइसेस की ज़रूरत होगी आइए उनको भी नोट कर लेते हैं। टमाटो पेस्ट मैंने इसमें लिए है 1 टेबल स्पून। आप टमाटो पेस्ट भी ले सकते हैं, आप फ्रेश टमाटोज भी ले सकते हैं। टमाटो पेस्ट मैंने इसमें ली है और इसमें मैंने प्लेन फ्लावर लिया है अराउंड 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून हीपफुल भर के। ज़्यादा सारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लें ताकि इसमें स्मेल का कोई इशू ना रहे। फिर मैंने इसमें लिया है तंदूरी मसाला, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिए, और अगर आपके पास कोई चिली मसाला पड़ा हुआ है तो वो भी ले लीजिए। मैंने ये लिया है, इसमें ड्राइड लेमन, रेड पेपर एंड ब्लैक पेपर हैं। अगर आप ये ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं, और साथ ही साथ हम इसमें 2 लेमन्स का जूस पी लेंगे। तो आए अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने अपना इसमें 1 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें लेमन लिया है, सॉरी टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो पेस्ट लिया है, और 2 से 3 आप इसमें लेमन का जूस ले लीजिए। अच्छे से इसको स्क्वीज कर लीजिए, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। बस आप इसका ये ध्यान करें कि अगर आपके गेस्ट को आने में देर है तो आप सुबह ही सुबह इसकी मैरिनेशन कर लीजिए या इसको ओवरनाइट कर लीजिए। अब इसकी मैं मैरिनेशन करके ओवरनाइट करके इसको मैं कल रात में बनाऊंगी और साथ ही साथ फिर वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा भी दूंगी। लेमन जूस स्क्वीज हो चुका है, अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। दैट इज चिली सॉस मसाला, तंदूरी मसाला, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक एंड सॉरी दिस वन वाज कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर एंड दिस इज टर्मरिक एंड चिली, रेड चिली पाउडर। और अब हम इसमें एंड पे ले लेंगे अपना वाइट फ्लावर। अब आप इसको चाहे तो चम्मच से मिक्स कर लीजिए, चाहे तो इसको हाथ से मिक्स कर लीजिए। मैं मसाले हाथ से मिक्स करती हूँ ताकि अच्छे से जब हम इसको लगाएंगे भी अपने कोयल पे तो ये अंदर तक इसकी मैरिनेशन हो जाए। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अंटिल ये यकजान हो जाए और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाए। जी तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से। अब हम एक एक करके कोयल लेंगे और इस पे हाथ से अच्छे से डीप इनसाइड द कट्स आप इसको लगा लीजिए, ऊपर अंदर बाहर हर तरफ आप इसको अच्छे से लगा लें। नेक साइड पर, इन साइड आप इसके अच्छे से मसाला अंदर तक लगा लें, इसकी थाइस पे, लेग्स पर, इसकी बैक पे अच्छे से मसाला लगाकर आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 घंटे भी काफ़ी होंगे। जी जनाब, तो क्यूट से हमारे कोयल मैंने मैरिनेट करने के लिए रखने जा रही हूँ। इसको फॉइल शीट से कवर कर लीजिए और इसको मैं ओवरनाइट रखूँगी। कल फिर मैं इसकी प्रिपरेशन करते हुए मैं आपको जो प्लेन पुलाव है हमारा वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो अब हम इसको कवर करते हैं और मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। हमारे कोयल को ओवरनाइट मैरिनेशन इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आप चाहें तो इसको 1 से ज़्यादा दिन भी मैरिनेट करना रख सकते हैं। जितनी देर मैरिनेशन में रहेगा उतना लजीज बनेगा। तो आए अब साथ में ना कुछ के कहा था कि प्लेन पुलाव आपको बनाना सिखाऊंगी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। मैंने इसमें 2 कप्स राइस लिए हैं, इसको मैंने 1/2 आवर पानी में सोक कर लिया था। साथ ही साथ मैंने 2 मीडियम स्लाइस्ड अनियंस लिए हैं, इसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट एड टू टेस्ट। 2 मैंने इसमें लेमन लिए हैं, इसको जूस हम स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि हमारे चावल खिले हुए बने। साथ ही साथ मैंने एक चिकन कनौर का क्यूब, स्टॉक का क्यूब भी लिया है,
इससे टेस्ट बहुत अच्छा पुलाव का एनहांस होता है। और इसमें हमने साथ ले ली थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, 2 से 3 अदद कसूरी मेथी मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून हीप फुल भर के, और कुछ मैंने इसमें गरम मसाले लिए हैं जो कि ज़ीरा 1 टीस्पून, 8 to 10 इसमें मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न्स ले लिए हैं, 3 मैंने इसमें ग्रीन कार्डमन्स ले लिए हैं, 1 ब्लैक कार्डमन ले लिया है, और 3 लौंगे ले ली हैं, साथ एक हम इसमें सिनेमन स्टिक का भी 1 इंच का टुकड़ा डालेंगे, और योगर्ट मैंने इसमें ले लिया है अराउंड हाफ अ कप। तो आए अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसमें अराउंड 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लीजिए, और इसके बाद मैं इसमें अपने होल स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। 10 to 15 सेकेंड इसको सौते कर लीजिए, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियंस। हमारे होल स्पाइसेस की सिमरिंग ख़त्म हो चुकी है, अब इस स्टेज पर आप इसमें अनियंस ऐड कर लीजिए और इसको ब्राउन होने तक कुक कर लीजिए। हमारे अनियन लाइट ब्राउन हो गए हैं, अगर आपको ज़्यादा पुलाव का कलर डार्क चाहिए तो इसको और ब्राउन कर लीजिए, मुझे लाइट सा ही चाहिए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लीजिए। और एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई थी, दैट इज टमाटोज पेस्ट। अगर आपके पास रॉ टमाटोज हैं तो आप वो इसमें 1 यूज़ कर लीजिए। मैं इसमें टमाटो पेस्ट यूज़ करूंगी जो कि तकरीबन मैंने ली है 1 टेबल स्पून हीप फुल, इसको भी इसमें मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें आप अपने स्पाइसेस ऐड कर लीजिए, दैट इज कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, सारे मसाले ऐड कर लीजिए, और इसमें आप कसूरी मेथी भी ऐड कर लीजिए, और आप इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप इसका फ्लेम थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, जैसे मसाला थोड़ा सा ठंडा होता है इसमें आप योगर्ट ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आप गरम गरम मसाले में ऐड करेंगे तो योगर्ट फट भी सकता है। और हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। पुलाव का मसाला नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है, इस स्टेज पर आप इसमें योगर्ट ऐड कर लीजिए, इसको मिक्स करते ही फ्लेम हाई कर लीजिए, और साथ ही आप इसमें ऐड कर लीजिए चिकन क्यूब, ग्रीन चिलीज और लेमन जूस हम ऐड करेंगे जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और राइस ऐड करेंगे। अभी आप लेमन ऐड ना करें ताकि आपके योगर्ट ना फटे। अब आप फ्लेम हाई कर सकते हैं इसका, और इसको इसी तरह आप कुक करें अंटिल इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, सेपरेट हो जाए। योगर्ट अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, अब इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर दीजिए वाटर। पानी का कुछ हिसाब इस तरह है कि मैंने ये बासमती राइस लिए हैं, तो 2 कप्स मैंने इसमें बासमती राइस लिए तो उसका डबल अमाउंट मैं पानी का डालूंगी, 4 कप्स मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अगर आप यूज़ कर रहे हैं सेला राइस तो फिर आप 1 कप एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। अब इसी स्टेज पर आप इसमें लेमन स्क्वीज कर लें, अराउंड ये 1 टीस्पून इसका जूस होगा, करके इसको आप मिक्स कर लीजिए, फ्लेम हाई कर लीजिए, और इस स्टेज पर आप इसमें डाल लीजिए अपने सोक्ड राइस, और इसको आप हल्का सा हिला के सारा मसाला इवन हो जाए हर जगह। इस स्टेज पर आप सॉल्ट इसमें टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो वो भी ऐड कर लीजिए। अब इसमें एक बॉयल आया तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बॉयल राइस में आ चुका है और अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इस स्टेज पर आप इसको
इसके लिए वेट करें आप अंटिल इसका पानी अच्छे से सोख हो जाए और इसके बबल्स बनना ख़त्म हो जाए। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, पहली पहली दफ़ा चावल बना रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि अंटिल आपका पानी फुल ड्राई हो जाए और बबल्स बनना ख़त्म हो जाए, तब हम इसको दम पे रखेंगे। जैसे ही बबल ख़त्म होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब इस स्टेज पर आप क्या करें कि एक और बर्नर पर तवा गरम कर लीजिए दम के लिए। अब हम इसके ऊपर एक हैंडकरचीफ लेंगे और उससे लिड को अच्छे से कवर कर देंगे दम लगाने के लिए, और दम आप हल्की आंच पर लगाएंगे, ठीक है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स। अब हम उसको इस पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको हल्की आंच पर हम 15 मिनट का दम देंगे। चावल हमारे दम पर चले गए हैं, अब इसको 10 मिनट आप दम पे रख लीजिए। अगर आपको लगे 10 मिनट के बाद भी कि थोड़ी सी कसर रह गई है तो 5 मिनट और रख लीजिए। अलबत्ता जो बासमती राइस है वो जल्दी दम पे कुक हो जाते हैं, सेला राइस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे आपके। तो ये तो हमारे चावल दम पर हो गए और 10 मिनट में हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ आप एक फ्राइंग पैन लीजिए और अपने बटेर और जो हैं फुली मैरिनेटेड उनको आप फ्राई कर लीजिए। ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही, चाहे तो आप शैलो फ्राई कर लीजिए। इसको आप हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, जितने बटेर की आपको ज़रूरत हो उतने आप फ्राई कर लीजिए। इस वन साइड मैं इसको 10 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगी, फिर दूसरी साइड भी 10 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगी, और ये 20 से 25 मिनट लेते हैं कुक होने के लिए। अगर आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर इसकी बोटी ड्राई हो जाएगी। इसको ओवर कुक नहीं कीजिए क्योंकि इसकी बोन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं और जल्दी कुक हो जाती हैं, इसलिए हार्डली 20 to 25 मिनट्स लेते हैं कुक होने के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिए, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिए, नहीं तो ये जल्दी कलर चेंज कर लेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए स्लो फ्लेम में इसको 10 मिनट पर साइड कुक कीजिए। मिनट हो चुके हैं और अब हल्का सा साइड पे करके चेक कर लीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब आप इसका फ्लेम ऑफ कर लीजिए और अब आ जाते हैं बटेर की तरफ। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको एक साइड पे कुक होते हुए। अब आप इसकी जो है साइड वो चेंज कर लीजिए और दूसरी साइड पे भी 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लीजिए। इसको आराम से हैंडल करें ताकि इसकी लुक्स ख़राब ना हो। कोयल हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है अपसाइड डाउन। मैंने इसको 10 मिनट्स और एंड पे 5 मिनट्स अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो हमारा मज़ेदार लजीज कोयल फ्राई विद प्लेन पुलाव राइस बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।